हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंस अगेन टू माय चैनल आर्टिस्ट द गेमर्स। गाइस, वंस अगेन आज हम खेलने वाले हैं GTA 5 और देखते हैं आज हमारे गेम में क्या होने वाला है। गाइस, तो यहां पर है फ्रैंकलिन जो अपने घर के बाहर खड़ा हुआ व्यू एंजॉय कर रहा है और अब निकल रहे हैं हम लोग अपनी बाइक लेके यहाँ के अद्भुत नज़ारों के साथ यहाँ से निकलेंगे। एक्चुअली फ्रैंकलिन को एक ज़रूरी काम था, उसे जाना है उस फोटोग्राफर से मिलने। क्या नाम है उसका, वो तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा उसका नाम, बट आपने मेरे वीडियोस देखे हो तो हमने उसके लिए दो तीन काम किए हैं। कुछ फोटोग्राफ्स लेने में उसकी हेल्प की थी हमने और वो फोटोग्राफर है और वो सेलिब्रिटीज़ के फ़ोटोज़ लेता है और वैसे ही वो पैसे कमाता है, तो हमने उसकी हेल्प की थी। तो हमारा जो शेयर है वो लेने के लिए फ्रैंकलिन जा रहा है अभी उससे मिलने के लिए और देखते हैं हमें पैसे, कितने पैसे मिल पाएंगे आज। सुबह सुबह फ्रैंकलिन उठ के निकल गया है अपने पैसे कमाने के लिए, तो लेट्स सी गाइस। बिल्कुल ट्रैफिक अभी बिल्कुल ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, आराम से फ्रैंकलिन जा रहा है अपने काम के लिए और हम वहाँ पर आ ही गए। शायद यहीं कहीं साइड में देखते हैं रोके, शायद वो यहीं पे कहीं पे हो। यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, लेट्स सी। ये बंदा कैमरा टांगे खड़ा है, ये कौन है? बट नहीं, ये कोई और है। हाँ, यहाँ पर है वो बंदा। गाइस, ये रहा वो बंदा, मिल गया यहाँ पर और देखते हैं ये अब हमारे लिए क्या कर सकता है। फ्रैंकलिन उससे बात कर रहा है फिलहाल पैसों के लिए, क्योंकि उसने आज के दिन के लिए ही प्रॉमिस किया था कि वो पैसे लाकर देगा। लेकिन गाइस, ये बंदा कुछ बहानी बाजे मार रहा है। वो बोल रहा है कि उसको अभी तक उन फोटोज के आगे से पैसे नहीं मिले हैं, तो वो फ्रैंकलिन को भी नहीं दे सकता। तो फिर अब हम क्या करें यहाँ से, हम चलते हैं फिलहाल, और कुछ काम तो हमारा यहाँ पर है नहीं। बट मुझे लगता है यहाँ पे हमें कुछ और भी करना है, क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ कहीं हमें फोटो तो अपने क्लिक नहीं करवाने हैं इस फोटोग्राफर से, बट यहाँ पर जाने पे तो ये बंदा मना कर रहा है, यहाँ से हटने के लिए बोल रहा है। समझ में नहीं आ रहा ये कैसे क्या करना है यहाँ पे। ये गाड़ी तो नहीं चुरानी ये गाड़ी भी नहीं चुरानी है और ये बंदे से फोटो भी नहीं क्लिक कराना है, तो फिर क्या करना है। इनमें से किसी को पीटना तो नहीं है, लगता है इनमें से किसी को दो चार लपड़ मारने पड़ेंगे तो इसको। ओके गाइस, ओके, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था गाइस, यहाँ पर आके हमें इस फोटोग्राफर को पीटना था क्योंकि इसने पैसे नहीं दिए, तो ऑब्वियसली हमें इसे पीटना चाहिए, तो फिर पीटने के बाद ही हमारा काम पूरा होता। तो फाइनली हमने इसे पीट दिया है। पहले मैं इस चीज़ को नहीं करना चाह रहा था क्योंकि मैंने सोचा कोई बात नहीं, अभी पैसे नहीं दिए तो बाद में दे देगा, बट ये लगता है किसी काम का नहीं निकला। इतना हमने मेहनत की इसके लिए, फ्रैंकलिन ने कहाँ कहाँ जाके फ़ोटो क्लिक करने में इसकी हेल्प की, इतना रिस्क लिया, बट मिला क्या? कुछ नहीं मिला। तो कोई बात नहीं, फिलहाल अब चलते हैं, बेकार में अपनी सुबह ख़राब की हमने और मिला भी कुछ नहीं, तो अभी चलते हैं अपने घर की तरफ और देखते हैं कुछ और काम अगर हमें मिल पाए, हम कुछ और काम कर पाए तो ज़रूर करेंगे। बिल्कुल फास्ट चलते हैं यहाँ से, देखते हैं बाइक में कितना दम है, लेकिन एक्सीडेंट भी नहीं करना गाइस, फटाफट चलते हैं घर की तरफ को। तो गाइस, यहाँ पर हम पहुँच गए हैं अपने घर यानी कि फ्रैंकलिन के घर और अब देखते हैं कि हमारे पास कुछ और काम है करने के लिए या नहीं। बट ये क्या था? ओके गाइस, यहाँ पर फ्रैंकलिन थोड़ा सा अपने टेलीस्कोप नहीं, इसे कुछ और बोलेंगे, कुछ इनसे व्यूज का मजा ले रहा था और कोई आ गया है फिलहाल फ्रैंकलिन के घर उससे मिलने के लिए, शायद ट्रेवर हो या ओके तो कोई और है। लेट्स सी गाइस, यहाँ पर क्या होता है। लगता है कि फ्रैंकलिन की किसी को हेल्प की जरूरत पड़ी है, शायद ये बंदी इसलिए उसे कुछ हेल्प के लिए जरूर हेल्प मांगने आई होगी। ओके गाइस, तो वो बंदी चली गई बता के, एक्चुअली वो लेस्टर के लिए हेल्प मांग रही थी। वो बोल रही थी कुछ बंदे हैं जो कि लेस्टर को उठा के ले गए और उन्होंने उसे बांध के कहीं पर रखा हुआ है और उसे ज्यादा उस चीज का कुछ आइडिया नहीं था।
बट वो कह के चली गई है। तो फ्लेस्टर फ्रैंकलिन का कितना अच्छा दोस्त है ये तो आप सब लोग जानते होंगे गाइस। तो फ्रैंकलिन उसकी हेल्प ना करे ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो फटाफट फ्रैंकलिन अपने घर से निकल चुका है और उसने फोन भी कर दिया है और उसे लेमार को फोन कर दिया है। गाइस एक्चुअली लेस्टर नहीं लेमार है वो बंदा, मेरे मुंह से लेस्टर निकल गया, आई एम सॉरी। लेमार की हेल्प करनी है तो उससे फोन पे भी उसने हेल्प मांगी है। एक्चुअली लेमार को कॉल करके उसने कुछ इन्फॉर्मेशन ली और फिर उसने उस नंबर की लोकेशन का पता लगवा कर यहाँ पर हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं और आ गए हैं उसकी हेल्प के लिए। माइकल और ट्रेवर भी गाइस तीनों लोग यहाँ पर आ चुके हैं और लेमार की हेल्प करेंगे। ट्रेवर बहुत ज्यादा खुश लग रहा है कि कुछ एक्साइटिंग करेंगे। ट्रेवर हमेशा एक्साइटमेंट में ही रहता है, हमेशा खुश रहता है। और फिलहाल ये तीनों उस लोकेशन को देख रहे हैं और प्लान कर रहे हैं कि कैसे कैसे हमें काम करना चाहिए यहाँ पे। तो माइकल निकल गया अपनी स्नाइपर लेके पोजीशन लेने के लिए और अब ट्रेवर को जाना है अपनी पोजीशन लेने के लिए। तो लेट्स गो गाइस, हमें ट्रेवर को सही पोजीशन पे ले जाना है पहले और फिर उसके बाद हमें फ्रैंकलिन को भी ले जाना है। तो ट्रेवर यहां पर भागते भागते आ गया है। ये लोकेशन क्या ठीक रहेगी? जो भी है ठीक ही है, चलते हैं, बाद में हम लोग देख लेंगे जब लड़ाई स्टार्ट होगी। फ्रैंकलिन को दूसरी साइड वाली जगह से ले चलता हूं मैं, थोड़ा सा दूर घूम के पीछे की तरफ से आएगा तो ठीक रहेगा। इस तरफ से जब गोलियां चलेंगी तो उन लोगों को आइडिया नहीं होगा कि उधर से भी कोई आ सकता है और फिर हम उस तरफ से भी हमला कर सकते हैं दोनों साइड से। एक तरह से हाँ, दोनों साइड से घेर लेंगे। और माइकल के पास स्नाइपर है, वो दूर से ही खड़ा होकर इन दोनों को सपोर्ट करेगा, स्नाइपर से लोगों के हेडशॉट लेके उड़ाता रहेगा, तो इन दोनों के लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो फिलहाल हमें घूम कर पीछे की तरफ से जाना है तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है यहाँ पे और हम पहुंच गए हैं। यस, स्क्रीन के आसपास ही कहीं खड़े हो जाते हैं और फिर हमको लड़ाई करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। तो गाइस अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले माइकल के थ्रू थोड़ा सा स्नाइपिंग कर लेते हैं ताकि कुछ दो चार आदमी दूर से ही कम हो जाएं तो फिर हमारे लिए काम आसान होगा। तो यहाँ पर कोई बंदा था, कोई बंदे जा रहे हैं, कहाँ गया? यहीं पे कोई बंदे हैं, इनको उड़ा देता, दिखने बंद हो गए। ओके, इस तरफ से निकलेगा तो यहाँ पे है, यहाँ पे है, इसको मारता हूँ। अरे यार, पेड़ के पीछे चला गया। अबे कोई बंदा ही नहीं दिख रहा यार, स्नाइपर हाथ में, ये ऊपर एक बंदा है, मारी तो मैंने, शायद लगी उसे बट मरा कि नहीं पता नहीं। यहाँ पे तो कोई नहीं है, यहाँ पर एक बंदा था गाइस, मस्त हेडशॉट लगा उसको। और यहाँ पर कोई दिख ही नहीं रहा है मुझे, चारों तरफ से आवाज़ें तो आ रही हैं पर बंदा कोई नहीं दिख रहा है और मैप में भी यहीं की लोकेशन दिख रही है कि कोई ना कोई तो है, शायद वो कोई ना कोई ओके हाँ, ये लोग ऐसे छिप के बैठे हुए हैं इसलिए इतना पता नहीं चल रहा है। बहुत ही ध्यान से देख देख के मारना पड़ेगा, इसको भी मैंने मारा तो है बट लगता नहीं है मरा होगा। मैंने सोचा था स्नाइपर से आराम से मारूंगा, बंदे खुले में घूम रहे होंगे, एक एक करके उड़ा दूंगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो अब फ्रैंकलिन यहाँ पर सबसे पास में है तो हम क्यों ना फ्रैंकलिन को यहाँ से अंदर की तरफ ले चलते हैं। कोई यहाँ आसपास तो नहीं दिख रहा। ड्राइवर एक्चुअली गाइस यहाँ पर थोड़ा सा खतरे की वाली पोजीशन में बैठा हुआ था इसलिए हमें इसको पहले एक्टिव करना होगा क्योंकि ये ज़्यादा खतरनाक लोकेशन पे था। वो लोग ड्राइवर के ऊपर गोलियाँ चला रहे थे तो अब ड्राइवर निकला है, हम लोग आ गए ड्राइवर के पास तो अब ड्राइवर एक्टिव हो गया है, तीन चार लोगों को तो उड़ा दिया है ऑलरेडी। वहाँ पर बंदा पत्थर के पीछे बैठा हुआ है, लगी नहीं इसको गोली, बाहर निकल, बाहर नहीं निकल रहा है, पीछे से बैठ के फायर कर रहा है, जब मैं मारता हूँ तो फिर से छिप जाता है, उसके पास जाके मारता हूँ उसको तो शायद ओके गया काम से। कोई है तो नहीं, है तो नहीं यहाँ पर, ओके वहाँ पर है बंदा, उसको देखता हूँ। गोलियाँ काफ़ी कम है आती हैं इस गन में, बार बार मैगजीन चेंज करनी पड़ रही है, बार बार रिलोड करना पड़ रहा है, कम से कम 50 गोलियाँ तो होनी चाहिए। ऐसी जगह पर अगर हम लोग फंस जाते हैं तो गाइस ज़्यादा गोलियां ठीक रहती हैं, बार बार रिलोड करने में कई बार हम लोग ही मर जाते हैं क्योंकि रिलोड करने में टाइम देखने में तो लगता है कि बहुत कम टाइम लगता है बट
उस टाइम पे रिलोड करने में दो तीन गोलियां हमको लग जाएं तो उसी टाइम पे हम मर जाते हैं, बहुत टाइम वेस्ट होता है। इसलिए दो तीन बॉम्ब से मैंने उड़ा दिया है, पता नहीं कोई मरा कि नहीं मरा, बट कोई ना कोई तो ज़रूर मरा होगा। बॉम्ब स्टिकिंग बॉम्ब फेंक के मारे हमने, और इसको उड़ा देता हूँ। और कहाँ पर है, वहाँ पर बंदा है, पास चलते हैं हम गाइस थोड़ा सा दूर से। अब इतना ही लोग मर नहीं पाते हैं, उधर ही शायद हमें जाना हो। ये बंदा ऊपर खड़ा है, एक मिनट पहले शेड, एक मिनट कवर ले लेता हूँ गाइस। और ये गया पीछे, एक बंदा है, वो भी गया, ये भी गया, वाह एक बार नहीं। अच्छा वहाँ पर भी ये, अरे मरा नहीं, चल तू भी चल निकल यहाँ से। और कौन है जिसको मरना है, आ जाओ सामने। और कौन कौन है इलाके में, रामगढ़ के वासियों बाहर निकलो, रामगढ़ के वासी छुप छुप के फायरिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर माइकल के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग दिखे थे, इसलिए हम स्नाइपिंग से कुछ लोगों को कम कर देते हैं। दो तीन लोग तो मारे बट ज़्यादा लोग दिख नहीं रहे हैं अब। ओके वहाँ पर ऊपर बंदा है, और कहाँ गया, अभी कोई और बंदा भी दिखा था। ओके ये रहा, इसको गया काम से। और एक्चुअली कोई कोई लाइट्स ना कभी कभी ब्लिंक कर रही हैं, तो उसको ऐसा लग रहा है शायद कोई फायरिंग कर रहा है, बट वो बंदा नहीं है, वो लाइट्स हैं। तो यहाँ पर है बंदे, इसको कर सकता हूँ क्या, कहाँ पर गया, कहाँ, अच्छा ये तो शायद ड्राइवर ही है मेरे ख्याल से। ड्राइवर वहाँ पर पहुँच गया है और चला रहा है अपनी गन। मुझे लगता नहीं है अब कोई बंदा है यहाँ पर, हमें शायद फ्रैंकलिन या ड्राइवर में से किसी की हेल्प करनी चाहिए। अभी कोई नहीं दिख रहा, इतना बढ़िया स्नाइपर है हमारे पास, बट हम उसे यूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बंदे पता नहीं कहाँ जाके छुपे हैं। चलो गाइस अब हम जरा शिफ्ट होते हैं, ड्राइवर की हेल्प करते हैं, काफी अंदर घुसा हुआ है ड्राइवर। और माइकल अभी कुछ हेल्प कर नहीं पा रहा था, यहाँ पर आके कुछ बंदे दिखते हैं तो वो अपनी एकदम यार से फटाफट उड़ा देता है बंदों को। तो अभी ये रहा सामने एक बंदा, ये गया, और हम लोग ना लेमार के पास ही कहीं आ गए हैं, यहीं पे कहीं पे लेमार मिलना। ओके शायद यही है क्या गाइस, यही है लेमार, और इसको अब हम लेके चलना होगा। मैप में कितने सारे बंदे और दिख रहे हैं यहाँ पे, अभी हमें यही नहीं सोचना चाहिए गाइस कि हमारा काम पूरा हो गया, काम अभी बहुत ज्यादा बाकी है। मैप में काफ़ी सारे बंदे दिख रहे हैं और हमें लेमार को प्रोटेक्ट भी करना है, वो काफ़ी ज़्यादा खराब हालत में है, लेमार को भी प्रोटेक्ट करना है और यहाँ से हमें भी बच के निकलना है। सो लेट्स सी, चलते हैं यहाँ से फटाफट। लेमार भी अभी गन चला रहा है, थोड़ा बहुत वो भी कर रहा है, सामने काफ़ी सारे बंदे हैं, अभी उड़ाता हूँ इनको फटाफट, ज़्यादा हीरो बन रहे हैं। अरे स्टिकी बॉम्ब से, चलो ट्राई करके देखते हैं स्टिकी बॉम्ब से, शायद कुछ बंदे ज्यादा मर जाएं। उड़ाता हूं, ओ गाइस काफी हेल्प की स्टिकी बॉम्ब ने, काफी हेल्प की, काफी बंदे मर गए, चारों तरफ से गोलियां चला रहे थे, अच्छा हुआ मैंने स्टिकी बॉम्ब चलाया। ऊपर बंदा है, ये तो फ्रैंकलिन है, अभी फ्रैंकलिन ड्राइवर के हत्थे चल जाता गाइस, बच गया फ्रैंकलिन। ओके अब आगे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, ओके जहां से हम आए थे वहां पर काफी लोग पहुंच गए हैं। मुझे लग रहा था कि अब आराम से वापस जाएंगे क्योंकि वहां पर तो हम सबको उड़ाते हो आगे, लेकिन कोई बात नहीं, फ्रैंकलिन उस साइड से गया, मैं इधर से जाता हूँ, स्टिकी बॉम्ब फेंक के देखते हैं शायद कुछ लोग मर जाए। पिछली बार काफी लोग मर गए थे, लेकिन मुझे तो लग रहा है ये लोग भाग रहे हैं उस तरफ को, स्टिकी बॉम्ब से कुछ नहीं होने वाला, वो लोग ओके वहां से छुप के मार रहे हैं गाइस। माइकल के हाथ से देखते हैं, ओके माइकल को ही मार रहे थे ये लोग, अच्छा हुआ मैं शिफ्ट हो गया, नहीं तो माइकल काम से जाता। तीन बंदे मार दिए माइकल ने यहाँ पे, और क्या करें, मुझे लगता है अभी हमें यहाँ से तो शायद मारना मुश्किल है, वो बंदा दिख तो रहा है। ओके अब शिफ्ट होते हैं, और चलो गाइस अब लेमार को लेके हम यहाँ से चलते हैं क्योंकि लगता नहीं अब बंदे बचे हैं यहाँ पे, इक्का दुक्का कोई होगा वो तो हम देख ही लेंगे, बट ज़्यादा बंदे नहीं हैं फिलहाल। लेमार को लेके कार में बैठ के है निकलना है फ्रैंकलिन को, और ट्रेवर माइकल आएंगे बाद में शायद, इसलिए ताकि हम आसानी से यहाँ से निकल जाएं। और जाना किधर से है, लेकिन इधर से आए थे कि उधर से जाना है, चलो इधर से ही चलते हैं, दोनों तरफ से जा सकते थे।
थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया गाइस, कोई बात नहीं। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं और ट्रेवर, ट्रेवर और माइकल बाद में आएंगे क्योंकि अबे गाइस ये थोड़ा सा ना, कभी कभी आपको पता होगा पहाड़ों में थोड़ा सा रास्ता कंफ्यूज है। ये छोटा सा रूट जो ऊपर की तरफ जा रहा है, इससे मुझे जाना था, मैं नीचे से ही चला गया और वापस फिर से वहीं पहुंच गया। इस तरह की गलतियां गाइस ऐसी जगह पे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा गैंग था, छोटी मोटी गलती से हो सकता था कि हम फिर से हमारी लड़ाई शुरू हो जाती वहां पर, अगर कुछ लोग बचे होते तो, और लैमार को हम नहीं ले जा पाते। ध्यान से करना चाहिए, बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था इसलिए कार घूम के वापस वहीं पहुंच गई। तो बट अब हम आ गए हैं यहाँ पर रोड पर और चलते हैं फटाफट लैमार को लेकर। ट्रेवर और माइकल बाद में आएंगे पीछे से, क्योंकि वो देख के आएंगे, कवर करके आएंगे। कोई बंदा वहां रह तो नहीं गया, हो सकता था हम सब लोग गाड़ी में बैठ के आते तो पीछे से कोई फायरिंग करने लगता तो सब एक साथ फंस जाते। इसलिए फिलहाल अभी हम दोनों निकल गए हैं और लैमार की हालत भी एक्चुअली काफी ज्यादा खराब थी। तो ओ नो नो शिट मैन, अरे यार मर ना गया हो कहीं लैमार? लगता तो नहीं है गाइस, बच गए। इतना खतरनाक फॉल था, पहाड़ के इतने ऊपर से लुढ़कते लुढ़कते नीचे आ गए। बट अच्छी बात ये है कि बचे हुए हैं और लैमार को बचाने आए थे, लैमार भी जिंदा है। मुझे तो लग रहा था कहीं वो मर ना जाए, इतनी खस्ता हालत में वो पहले से था। बट अच्छी बात यह है कि किसी को कुछ नहीं हुआ और दोनों लोग बच चुके हैं। और अब मैं फटाफट अब लैमार को लेके पहुंच जाना है उसके घर के पास। और ये मिशन तो हमारा पूरा हो ही गया है, क्योंकि बस अब हमें लैमार को लेके घर तक जाना है और काम खत्म हो जाएगा। और फिर देखेंगे उसके बाद कुछ करने का टाइम बचेगा कि नहीं बचेगा। फिलहाल तो एक्चुअली काफी ज्यादा दूर है घर, तो अभी वहां पहुंचने में काफी टाइम लगने वाला है। अभी देखो इवनिंग हो गई है, सुबह से फ्रैंकलिन निकला हुआ था अपने घर से और शाम हो गई है, शाम तक वो आके लैमार को बचा पाया। पर अच्छी बात यह है कि बचा लिया। इतना बड़ा गैंग था गाइस, आपने देखा कम से कम 50 लोगों को मारा होगा तब जाके लैमार को बचा पाए। और हो सकता था हमारे बचाने से पहले पहले उनमें से कोई बंदा लैमार को मार देता। बट अच्छी बात यह है कि ऐसा हुआ नहीं तो वो बंदी जो फ्रैंकलिन के घर आई थी वो जान खा लेती फ्रैंकलिन की। और उससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है गाइस कि फ्रैंकलिन का बहुत अच्छा दोस्त है लैमार। हालांकि आजकल इनकी बातचीत थोड़ी कम चल रही है, थोड़ा नाराज लग रहा है फ्रैंकलिन से, शायद इसलिए क्योंकि फ्रैंकलिन काफी ज्यादा काम कर रहा है, अच्छे पैसे कमा रहा है और वो लैमार को कुछ काम नहीं दे पा रहा है, इसलिए वो थोड़ा सा रहता है। बट फिर भी है तो वो फ्रैंकलिन का दोस्त ही, तो हमें हेल्प तो करनी चाहिए। और ट्रेवर और माइकल तो लैमार के इतने अच्छे दोस्त भी नहीं है, लेकिन उन्होंने सिर्फ फ्रैंकलिन के लिए ये काम किया, उसकी हेल्प की, तो गाइस ये बड़ी बात है। तो फिलहाल हम निकल चुके हैं और वापस अब थोड़ी देर में गाइस पहुंचने वाले हैं सिटी में। अभी हम सिटी के बाहर की ये ड्राइव एंजॉय कर रहे हैं, एकदम शांति वाला माहौल है, थोड़े बहुत गाड़ियां चल रही हैं यहाँ पे और शाम हो गई है। अजीब सी फीलिंग आ रही है गाइस, अगर आपको आ रही हो तो पता नहीं, मुझे तो लग रहा है बिल्कुल अजीब सी फीलिंग आ रही है। अच्छा लग रहा है, मतलब अब हम सिटी में एंटर करने वाले हैं, सिटी सामने दिखाई दे गई है और अब बस सिटी में एंटर करने ही वाले हैं। ये एकदम आउटस्कर्ट्स का एरिया है और अब एंटर कर रहे हैं। इससे पहले हम बिल्कुल बाहर थे शहर के, वो बंदे पता नहीं कहाँ ले गए थे लैमार को, ऐसी जगह से ढूंढ पाना था बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बट क्योंकि फोन ट्रैकर के थ्रू हम वहां पर पहुंचे तो फोन ट्रैकर के थ्रू ही हमें पता चल पाया, नहीं तो और कोई तरीका नहीं था इतनी दूर वाले एरिया में जाके पता करना कि लैमार वहां पर है। एक तो वहां पर 50 लोग वैसे ही मौजूद हैं और अगर हमें पता ही ना हो कि लैमार यहाँ पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहाँ पर है, तो हम प्लानिंग के साथ जैसे हमने काम किया वो कर भी नहीं सकते हैं। बट एनीवेज बार बार अब गाइस अभी हम बाहर से आ रहे थे, कम ट्रैफिक की हैबिट हो गई थी, लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा ट्रैफिक है तो बार बार टक्कर हो रही है। फिर से हुड का कवर ही उड़ गया है इस बार गाड़ी का और सब कुछ उड़ गया है, बस किस तरह ही है हमें अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचा दे बहुत है। और
काम हमारा कंप्लीट हो गया है। सबसे बड़ी बात तो ये है, गाड़ी तो कोई बात नहीं। तो गाइज अब मुझे लग रहा है ये हमारा लास्ट टर्न था लेमार के। हाँ गाइज बिल्कुल वही एरिया आ गया है जहां पर लेमार का घर है और यहीं पे हमें कार स्टॉप कर देनी है। ओके गाइज तो यहाँ पे आखिरकार हमारा काम हुआ पूरा और लेमार को हमने बचा लिया। लेमार इस चीज से तो खुश है कि वो फ्रैंकलिन ने उसकी जान बचाई, बट ये लोग जो अब बातें कर रहे हैं उसके हिसाब से लगता है कि लेमार के मन में थोड़ा तो है कि वो फ्रैंकलिन उसके साथ अब इतना टाइम नहीं बिताता और ना ही कुछ काम करता है। तो फ्रैंकलिन ने उसकी थोड़ी सी पैसों से मदद कर दी, लेमार को अच्छा लगा, लेकिन लेमार बहुत ज़्यादा खुश अभी भी नहीं है। मेरे ख्याल से इसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, इसलिए लेमार इस हालत में है फिलहाल। बट ठीक है, कोई बात नहीं, फ्रैंकलिन जो कुछ कर सकता था वो कर रहा है और इससे ज़्यादा तो क्या कर सकता है। फ्रैंकलिन ने बोला है इससे कि अगली बार कुछ ऐसा काम होगा जिसमें वो इसकी हेल्प कर सके और कुछ कमा सके तो फ्रैंकलिन जरूर करेगा। बट फ्रैंकलिन भी उसको बता रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं लेमार की भी जो कि उसे पसंद नहीं, लेकिन फिर भी वो जो कुछ कर रहा है अपनी दोस्ती के लिए कर रहा है और जो थोड़ा बहुत भी वो कर पा रहा है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए लेमार को, ना ही हर बार कंप्लेन करनी चाहिए क्योंकि दोस्ती में ये सब होता रहता है। एट लास्ट जो भी है गाइज, इन दोनों की कॉन्वर्सेशन खत्म हुई, लेमार चला गया अपने घर और फ्रैंकलिन अब जा रहा है अपने घर। गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। अगर आपको मुझे मेरी वीडियोज पसंद लगी हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोज आपको बहुत ही ज्यादा इससे भी ज्यादा अच्छी लगने वाली हैं। गाइज थैंक यू वेरी मच एंड बाय।